यारो का टशन है। आइए आइए सर, आइए आइए, बैठिए सर, बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, हम आपके बुलाने से नहीं आए हैं। अरे हमारी भाभी जी ने हमें बुलाया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अरे बुलाया तो मैंने है ना। अच्छा, क्या ठो है जो आपने हमको यहाँ बुलाया है? अरे आपके फायदे की बात है चतुर्वेदी साहब। क्या बात कर रहे हो? बात यह है कि शहर में एक बहुत बुरी आंखों की बीमारी फैली हुई है, इन्फेक्शन हो रहा है जबरदस्त। हाँ? और ऐसी बीमारी है कि कभी कोई चीज सामने होती है नहीं दिखती, पर कभी चीज सामने नहीं होती फिर भी दिखने लगती है। अरे ये तो बड़ी झन्नाटेदार बीमारी है। वही बता रहा हूँ, तो जैसे ही मुझे कोई इसका इलाज मिल जाएगा मैं आपको दवा दे दूंगा। अरे हमको क्यों दे दोगे भाई, आप सेक्रेटरी हैं बिल्डिंग के। अरे हमें बीमारी तो हुई नहीं ना। और हो तो सकती है ना। अरे हमने कहा ना हुई नहीं है ना। अरे चतुर्वेदी साहब बैठिए तो सही। चतुर्वेदी साहब आप सेक्रेटरी हैं बिल्डिंग के, अगर किसी को बीमारी हो गई तो आप दवा दे तो सकते हैं ना उसको। बात तो एकदम ठो है चतुर्वेदी जी। भाभी जी बता बता के एक बात बताइए तो। पूछिए। अगर सोसाइटी में किसी को हो की इन्फेक्शन हो गई तो आप करेंगे क्या? अरे भाभी जी अगर किसी को ऐसी बीमारी हो गई ना तो उसको 5 दिन हम कमरे के अंदर बंद रखेंगे ताकि किसी दूसरे को इन्फेक्शन ना हो जाए। कहिए ठो ठो। चतुर्वेदी अंकल नमस्कार। अरे यादू को 75 बार समझा चुका हूँ कि चतुर्वेदी नहीं चतुर्वेदी चतुर्वेदी चतुर्वेदी। अरे इतनी मुश्किल से हम अपना नाम बनाए हैं, ये तुम्हारा लड़का जो है नाम हमारा खराब कर रहा है यार। ओके अंकल, आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े। चतुर्वेदी जी। भाभी जी छोड़िए ना ये सब बातें और खा खा के पकौड़े खाइए, हमने बनाए हैं खास आपके लिए, वो भी 3 तरह के, मिर्ची के हैं, आलू के हैं, प्याज के हैं, खाइए। अच्छा भाभी जी आप कहें और हम माने ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अरे हम खाते हैं भाभी जी। क्या हुआ? अरे पानी, मेरे मुंह में पानी भरो। ओके अरे मुंह में पानी डालने के लिए बोला था, मुंह पे नहीं। ओ सॉरी चतुर्वेदी अंकल। बच्चा है। अरे ये बच्चा नहीं, ये तो चच्चा है। अरे भाभी जी हमने पकौड़े मिर्ची में बनाए थे या मिर्ची के पकौड़े बनाए थे? वो चतुर्वेदी जी। भाभी जी सॉरी, वो गलती से ना डलडल की मिर्ची थोड़ी ज्यादा डल गई, आप हमें कर करके माफ नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं भाभी जी, हमने आपको माफ कर दिया, हम नाराज नहीं है। हम आपसे कभी नाराज हो सकते हैं क्या? नहीं ना, आप कहें और हम ना माने ऐसा कुछ हो नहीं सकता भाभी जी। अब हम यहाँ आए हैं तो जरा हम अपना शीशा भी देख लेते हैं। अब तो पता ना होगा चतुर्वेदी अंकल आ रहे हैं। अरे हमारा प्यारा शीशा कहाँ गया? अगर इन लोगों ने हमारे शीशे के साथ कुछ भी ठोक किया ना तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। केतु यहाँ क्या कर रहे हो? वो बाल सेट कर रहा हूँ मैं चतुर्वेदी जी। वो क्या ना कि मैंने बालों में आज जेल लगाया तो शीशा देख के सेट करना आसान होगा ना। इसका मतलब इनको शीशा दिख रहा है, लेकिन अगर इनको शीशा दिख रहा है तो हमको क्यों नहीं दिख रहा है?
इंफेक्शन हो रहा है जबरदस्त, और ऐसी बीमारी है कि कभी कोई चीज सामने होती है नहीं दिखती, और कभी कभी चीज सामने नहीं होती फिर भी दिखने लगती है। कहीं हमको वही आंखों वाली बीमारी तो नहीं हो गई? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो अच्छा हुआ चतुर्वेदी जी यहाँ से चले गए, और हमारे प्लान के मुताबिक हम लोगों ने उन्हें यकीन दिला दिया है कि शीशा यहाँ पे है। वो अभी गए नहीं है, मतलब बाहर ही खड़े हैं। क्या अब बाहर खड़े खड़े कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ये लोग हमारी ठोक नहीं कर रहे हैं? अरे एक बार जाके फिर से चेक करता हूँ। वो फिर से अंदर आ रहे हैं। क्या क्या नहीं, हाँ वो अंदर आ रहे हैं। लग जाओ काम पे। राहू यहाँ क्या कर रहे हो? चतुर्वेदी जी देखिए ना, खिड़की खुली रहने की वजह से पूरे शीशे पे धूल जम गई है, बस वही साफ कर रहा था। करूं साफ? हाँ करो। इनको भी शीशा दिख रहा है और ये शीशे पर जमी धूल साफ कर रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? ना शीशा ना धूल, इसका मतलब जरूर मुझे आंखों वाली बीमारी हुई। हमको ये बीमारी हो गई, हम किसी को पता नहीं होने देंगे, वरना अगर अग्रवाल साहब को पता चल गया तो हमको कमरे के अंदर 5 दिन तक रहना पड़ेगा। नहीं। ए डाली। हाँ जीजू। इधर इधर आ। क्या हुआ? तुम एक काम करो मेरा। हाँ? हाँ? अग्रवाल साहब के यहाँ जो लफंटर रहते हैं ना। जीजू लफंटर कहाँ रहते हैं? प्रेम। अरे हाँ भाई, वही प्रेम। तुम जाके वहाँ देखना कि हमारा जो खानदानी शीशा है वो सही सलामत है कि नहीं, समझी ना? जाओ 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 जाओ। हाँ जीजू। हाँ इधर आओ, इधर 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 सुन। हाँ? देखो वहाँ पे ना ज्यादा लटर पटर मत करना, समझी ना? बस सीधे जाना और सीधे घर आना। जीजू हम सीधे कैसे जाएंगे? आगे जाके लेफ्ट तो लेना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे जीजू, भोले जीजू। चल जा जा, ये भी ना। अरे भाई प्रेम, क्या बोला शीशे वाले ने? शीशा तो बन जाएगा लेकिन शाम तक मिलेगा। मतलब शाम तक हमें चतुर्वेदी साहब को ये कन्विंस करते रहना पड़ेगा कि शीशा टूटा नहीं है। बाबा, आपने कहा था झूठ बोलना गलत बात है, हमेशा सच बोलना होता है, फिर झूठ क्यों? अरे गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वो झूठ जिसके बोलने से किसी का नुकसान ना हो वो झूठ झूठ नहीं होता। अभी देखो, अगर चतुर्वेदी साहब को पता चल गया कि उनका शीशा टूट गया है तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी? होगी ना? ओके पापा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बात पे झूठ बोलना शुरू कर दो। हाँ मैं पकड़ लूंगा फिर। लेकिन हम कह के कि क्या कह रहे हैं अग्रवाल साहब? हमें नहीं लगता कि हम कह देंगे और मान मान के मान जाएंगे चतुर्वेदी जी की हो कि उन्हीं की आंखों में कोई प्रॉब्लम है। अरे वो कर करके क्रॉस चेक जरूर 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 करेंगे। हाँ विना जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जीजू ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है कि जा डॉली जाकर देख कर आ मेरा खानदानी शीशा ठीक है कि नहीं। अब क्या कहूँ? देखा, हम कह के कि यही कह रहे थे। अरे बीना जी, डॉली कुछ भी जाके बोले चतुर्वेदी साहब को, वो इसकी बात पे यकीन करने वाले नहीं है। हमें किसी ऐसे आदमी की हेल्प लेनी होगी जिसकी बातों पे चतुर्वेदी साहब यकीन कर सके।
लेकिन ऐसा इंसान होगा कौन? पप्पी सर, बात यह है कि आप हमारी हेल्प करेंगे ना? अरे हेल्प क्यों नहीं करेंगे, हेल्प कौन करता है? खच्चर जी, इंसान करता है ना, तो हम क्यों नहीं हेल्प करेंगे? आने दीजिए उनको, हम पूरी हेल्प करेंगे। पापा, चतुर्वेदी अंकल आ गए। आ गए। अरे क्या बढ़िया शीशा है अग्रवाल साहब, कमाल का शीशा है। मैं इसको एक एड फिल्म में यूज करना चाहता हूँ। इसका फ्रेम जो है ना, कमाल का फ्रेम है। लेकिन पप्पी सर, ये शीशा तो चतुर्वेदी साहब का शीशा है। चतुर्वेदी हो या कबूतरवेदी, हम परमिशन ले लेंगे। अरे लेकिन दे दे के वो नहीं देंगे ना परमिशन, वो तो इस आईने में किसी को देखने ना दे, आप ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं देंगे परमिशन, कौन देता है, कौन देता है परमिशन, खरगोश जी? नहीं ना, इंसान देता है ना, तो हम परमिशन ले लेंगे। चलिए ठीक है, वो आ जाए फिर देखते हैं, बात करते हैं। अरे अरे चतुर्वेदी अंकल, वेलकम। आइए आइए, देखिए क्या शीशा है, कितनी अच्छी शक्ल दिखती है इसमें। बहुत बढ़िया। अरे कमाल का शीशा आपका चतुर्वेदी साहब, मतलब आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो भी अच्छी दिखाई देती है इसमें। चतुर्वेदी जी, ये शीशा हमें बहुत पसंद आया, खास करके इसका फ्रेम। हम इसको एक एड फिल्म में यूज करना चाहते हैं। कहाँ है? यहाँ है। किधर है? इधर है। कौन सा है? सामने वाला। आप कंफर्म है? 100% कंफर्म है। कितना दोगे? क्या लोगे, लाख दो लाख जो बोलो दे देंगे। इनको भी शीशा दिख रहा है, मतलब अब तो कंफर्म है कि हमें कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है, बल्कि सच में हमें आंखों का इन्फेक्शन हुआ है। अरे बोलिए ना, क्या सोच रहे हैं, क्या लेंगे बोलिए, फटाफट दे दूंगा। हम सोच के बताएंगे। वो क्या है ना कि हमको बहुत जरूरी काम याद आ गया, ठीक है ना? लाख दो लाख में तुम इसको फ्रेम भी ना दो? इतनी फ्रेम है कहाँ? वहाँ। भाभी जी, चतुर्वेदी जी, आपने सुन लिया? आपके दिल की बात थी ना, हमने सुन सुन के सुन ली। अच्छा ऑफर है। हाँ? हाँ। अरे वाह वाह वाह, पप्पी जी कमाल की एक्टिंग की आपने तो। अरे एक्टिंग कौन करता है, चूहा जी? नहीं ना, इंसान करता है ना। लेकिन वो जो चतुर्वेदी है ना, वो तो ना इंसान है और ना ही चूहा है, वो लोमड़ी है, लोमड़ी। देखिए, मैंने चतुर्वेदी साहब के दिमाग में ये बात डाली है कि उनको एक ऐसी बीमारी हुई है कि चीज सामने होती है लेकिन उनको दिखती नहीं है। बोलिए हाँ, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। मैंने हाँ बोलने के लिए कहा था। अच्छा। अरे हाँ तो अब भी नहीं बोला। हाँ। चतुर्वेदी के दिमाग में अगर ये बात आ गई कि उनको सब कुछ दिख रहा है सिवाय शीशे के, तो क्या होगा? ये बात हमारे दिमाग में आई क्यों नहीं कि अगर हमको आंखों की बीमारी होती तो सिर्फ शीशा ही नहीं बल्कि हमें और भी कई चीजें दिखाई ना पड़ती। इसलिए अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चतुर्वेदी साहब को शीशे के अलावा कुछ और भी चीज दिखाई ना दे। सोचता हूं। तो अब क्या होगा पापा? होगा बेटा, जो होगा वो नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक ही होगा। और मिश्रा जी। नमस्कार चतुर्वेदी जी। नमस्कार नमस्कार, सब ठीक ठाक है? हाँ। अच्छा मिश्रा जी, एक बात बताइए, ये झूला आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और ये पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, ये भी दिख रहा है? हाँ वो भी दिख रहा है, लेकिन क्यों, आपको नहीं नजर आ रहा है? अरे नहीं नहीं यार, हमको क्यों नहीं दिख रहे हैं, कमाल बात कर रहे हैं आप। अरे आप जाइए यार,
टाइम बर्बाद कर रहे हैं मेरा यार। कैसा है यार? कमाल बात है, इनको भी बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, इनको भी झूला दिखाई पड़ रहा है मिश्रा जी को, सिर्फ हमको नहीं दिखाई पड़ रहा। चतुर्वेदी अंकल अरे बेटा चतुर्वेदी नहीं चतुर्वेदी। अच्छा यारों, तुम कभी झूठ नहीं बोलते ना? कभी नहीं, और हमेशा तुम सच बोलते हो? हमेशा। तो बेटा एक बात बताओ कि जो शीशा है वो अमर प्रेम के यहाँ है कि नहीं? अरे बोलो बोलो भाई, तुम तो सच बोलते हो ना। अब यारो क्या करे, यारो तो झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर सच बोला कि यारो से शीशा टूट गया है तो चतुर्वेदी अंकल को तकलीफ होगी, और पापा ने कहा है उनको कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा, नाइट्रोजन से लेके हाइड्रोजन तक। चतुर्वेदी अंकल, शीशा अमर प्रेम के यहाँ है। अच्छा अच्छा यारो, अच्छा तुम जरा ऊपर देखो। कौन से फ्लोर पे? थोड़ा सा और ऊपर, टेरेस पे। अरे नहीं, आसमान की तरफ देखो। आसमान में देखा, और ये देख के बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? कौआ इतनी तेज चिल्ला रहा है। दिखा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा? हाय शेर, देख रहे ना, देखो कैसे उड़ रहा है, है? इसे कौवा दिख रहा है और हमें सिर्फ बादल दिख रहे हैं। इसका मतलब आंखों की बीमारी हमें हुई तो है। तो ये यारों भी नहीं दिख रहा है। पापा, यारो आ गया। आ गया ना, और मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया भी आ गया है। सब लोग ध्यान से सुनो, आओ। ये होगा कैसे लेकिन? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे होगा? अरे बिना ये ना, आप ना ट्यूब लाइट हो। अच्छा सुनो ध्यान से। अब देखो देखो, मैंने यारो के अंदर 1001 जोक्स फीड कर दिए हैं, और यारो पापा जो तेरे अंदर मैंने 1001 जोक भरे हैं ना, उनको आज सुनाने का टाइम आ गया है। ओके पापा, सब सुना दूंगा। ओके पापा, चतुर्वेदी अंकल आ रहे हैं। आ रहे हैं? और उसके बाद बंदर ने बोला कि भैया ये मैं नहीं कर सकता। क्या जोक मारा? अरे मैंने क्या जोक मारा? अरे मुझे तो यारों ने सुनाया और मैंने आगे से सुना दिया। भाई यारों कमाल कमाल के जोक आते हैं यारों को। चतुर्वेदी साहब, आज आपको यारों बहुत बढ़िया जोक सुनाएगा, आप सुनिए, बहुत मजा आएगा आपको। चतुर्वेदी जी। भाभी जी। चतुर्वेदी साहब आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना सर। ए, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? कुर्सी पे बैठो। ये कुर्सी पर बैठा है पर हमें कुर्सी नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब सब सही कह रहे हैं, हमें पक्का आंखों की बीमारी हो गई है, पर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वरना ठो हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.